नमस्कार, लव सिंह के साथ इस समय आप बोझारा मुजफ्फरपुर की रेस तमाम सारी वीडियो अभी आप लाइव इसी फील्ड से देख रहे थे। हमारे साथ इस चेतक प्रतियोगिता के विजेता सवार मेघू है। कृष्णा पांडे आरा का बिहार एक बार फिर से विजेता बनकर नए मालिक के पास पहुंचा है और तभी से लगातार फिर से इनकी जीत चालू है। गामर में ये जीते, उसके पीछे गाजीपुर की एक और चेतक प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। हम इनसे जानते हैं इन जीत का राज और कैसी रही ये चेतक प्रतियोगिता। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेघू जी। जी लो भाई, आपको मुबारक हो। क्या हाल रहा, कैसी रेस रही आपकी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहे। जी जी, शुरू में आप पीछे चल रहे थे, उस समय क्या लगा कि हम आगे जा पाएंगे या इस झुंड में फंसे रह जाएंगे? नहीं नहीं, जब घोड़ा झुंड में, तो प्रयास था कि आगे हो जाए बस। मैंने पिछले दो चेतक प्रतियोगिताओं में आपके घोड़े की चाल और परफॉर्मेंस पे लगातार नजर बनाई रखी हुई थी। जी जी जी, उतना बेहतर तरीके से चाल आपकी वहाँ नहीं दिखी मुझे। जी जी, लेकिन इस चेतक प्रतियोगिता में आपकी चाल, आपका घोड़ा सेमीफाइनल चक्र से ही काफी बेहतर कर रहा था। जी जी, कैसे सुधार में लाए इस चीज? सबसे बड़ी फील्ड होना चाहिए, अच्छा फील्ड अगर अच्छा रहेगा तो घोड़ा अच्छा चलेगा। नहीं, मैंने इन बातों को रखा था कि अगर नियम आप तगड़े लगाते हैं तो आपकी सबसे पहले फील्ड अच्छी होनी चाहिए, तभी घोड़े के परफॉर्मेंस अच्छा देख सकते हैं। अगर फील्ड कमजोर है तो आपके नियम में भी थोड़ी छूट रहनी चाहिए। जी जी, वैसे और किन किन घोड़ों से ज्यादा यहाँ पे टक्कर मिल रही थी आपको? प्रयास जिस समय आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तीन चार घोड़ा था, एक गौस भैया का था, एक मकाऊ था हरम मुखिया जी का घोड़ा, एक फरान भाई का था, इन सब घोड़ा था। वैसे मुजफ्फरपुर में इस बार कौन सा साल है जिस बार ये चेतक प्रतियोगिता आप लड़ रहे हैं? तीसरा साल है, एक साल तो नहीं हुआ, एक साल हम घोड़ा लेकर आए तो सेकंड हुआ था ही घोड़ा, और फर्स्ट हुआ है इस बार। फर्स्ट हुआ है? जी जी। दो बार और किस घोड़े से लड़े? नहीं नहीं, हम पहली बार यही घोड़ा उतारे हैं। तो पहली बार उतारे हैं और पहली बार ही जीत गए? जी जी जी। क्या क्या इनाम मिला है आपको? बस एक बार LCD मिला, अभी बाइक मिला। अभी बाइक मिली, तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, और जो विजेता हैं उनको मैं दिखाता हूं और उनसे पूछता हूं कि उनके लिए ये चेतक प्रतियोगिता कैसी रही। इस रेस में मोहम्मद सलाउद्दीन ठेकेदार का घोड़ा भी काफी अच्छा कर रहा था, पर लास्ट राउंड में उसका खेल बिगड़ गया। हम सवार शरीफ से भी आपको मिलाएंगे। दूसरे विजेता मलिहाबाद लखनऊ से ख्वाजा मोहम्मद फौज खान है, उनका ये घोड़ा है और घुड़सवार गोलू हमारे साथ है। गोलू भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी, काफी शानदार प्रदर्शन रहा। चेतक प्रतियोगिता जब शुरू हुई तो उसमें आप काफी पीछे चल रहे थे, क्या लग रहा था कि ये जो फासला है उन दूरियों का आप कम कर पाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो थी, बाकी अब घोड़ा भी बता रहा था कि नहीं मैं पकड़ लूंगा। सेमीफाइनल में भी इस घोड़े का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, तो उसे उम्मीद है जब हर एक सेमीफाइनल राउंड हो गया, आप लोग देखते रहते हैं, तो क्या लग रहा था कौन कौन से घोड़े हैं टक्कर में? अब जैसे कि मुखिया जी का घोड़ा था, फरहान भाई घोड़ा काफी अच्छा था उसके पहले, ठीक है, और जो भी सेकंड आया है दुल्कीबाज फर्स्ट आया है उसका भी घोड़ा बहुत अच्छा था, तो उसमें एक नए बच्चे को लड़ना बहुत बड़ी बात है और सबसे लड़ते हुए स्थान लेना भी बहुत बड़ी बात है। और बड़ी प्रतियोगिता मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले ये पहली गोल की रेस लड़ा है ये, तो ये ख्वाजा मोहम्मद गौस खान का ये घोड़ा था। और हमारे साथ बिलाल भाई भी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ये उनके छोटे भाई हैं। कैसा मेला रहा आपके लिए मुजफ्फरपुर बिहार का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेला रहा, मैं सोच नहीं सकता था इतना बड़ा मेला होगा, ये होगा, इस वजह से भाई बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रतियोगिता कैसी हुई? टक्कर जब आप घोड़ों की देख रहे थे, आपका घोड़ा पीछे चल रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा घोड़ा इतना पीछे चल रहा है, आगे आएगा नहीं आएगा? कैसे आएगा, मतलब वही मैं सोच रहा था कि जो फोर्थ पोजीशन पे था वो एकदम से कैसे आए ऐसे ऊपर वाले का से, मतलब। तो हमारे साथ ये दूसरे विनर थे जो लखनऊ से यहाँ पर चलकर पहुंचे हैं। हम आपको तीसरे विजेता और इस प्रतियोगिता में सबसे आगे चल रहे सवार शरीफ से आगे मिला रहे हैं। हमारे साथ इसी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं सवार शरीफ मौजूद हैं, जो आजमगढ़ छी का घोड़ा लेकर पहुंचे थे। इनसे हम जानेंगे कि पिछड़ने का असली कारण और जो ये पिछड़ते गए और किस वजह से फाउल हो गए रेस में, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। शरीफ भाई, पहले तो मैं आपको बधाई जरूर दूंगा क्योंकि आप यहाँ प्रबल दावेदार थे और तीन चक्कर आपका बेहतरीन घोड़ा चला है और सबसे आगे चला है, क्या वजह थी कि आपको फाउल किया गया और घोड़ा पिछड़ने लगा आपका? देखिए, घोड़ा स्टार्ट से सब कुछ छोड़ा और तीन राउंड काफी लीड बना के आगे चल रहा था, लेकिन कुछ घोड़े शरारतन हमारे पीछे गलत सही लगे हुए थे, डिस्टर्ब भी कर रहे थे। और जो दुल्कीबाज जो घोड़ा फर्स्ट आया है, वो घोड़ा अगर अपने साइड से सफा निकलता तो हमारा घोड़ा बिल्कुल डिस्टर्ब ना होता। वो घोड़े को राइट तरफ से धक्का दिया, घोड़े में जब टच हुआ, जब हमारे घोड़े को धक्का लगा तो वही थोड़ा सा हमारा घोड़ा स्टेज की तरफ वही घोड़ा मुड़ा। और लोग कह रहे थे कि जैसे झंडे में फाउल हुआ तो झंडे में अगर हमारा पैर लड़ता तो टूट जाता, जिस तरह से बल्ली लगी हुई थी, लेकिन वहां से घोड़ा भी बच के निकला।
फाउल का कहीं से नाम नहीं था, लेकिन घोड़ा धक्का लगने से थोड़ा सा घोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा चाल बिगाड़ दिया घोड़ा, इस राउंड में थोड़ा सा गड़बड़ गया, फिर घोड़ा उधर से सुधर के चला, सुधर के चला। वैसे आपके तीन चक्कर का खेल काफी बना था, क्या उम्मीद तो यही लग रही थी कि एकदम पक्का उम्मीद हमको हो गई थी कि कोई नहीं टच कर पाएगा भाई, इस तरीके से मामला था एकदम साफ क्लियर था, और कोई घोड़ा हमारे पीछे थे भी नहीं कि जरा से हमको दहशत भी लगे, लेकिन अब किस चाल में घोड़ा आया और थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, बस उसी में कहानी हमारी फेल हो गई। कितने देर तैयारी रही इस बार? तैयारी सिर्फ घर एक दिन घोड़ा चेक हुआ था, तीन सवारी यहाँ हुई थी बस। आगे फिर कहाँ पहुँचने वाले हैं? देखिए टाइम नहीं है, रेस जो है टकरा रही है, नहीं तो हम जो जहानाबाद की रेस है वहाँ भी पहुँचते, लेकिन हम लोगों को त्योहार है और त्योहार वही 23 को है, 23 के बाद पहुँच नहीं पाएंगे। अभी भी रोजा चल रहा है? अभी रोजा चल रहा है और इसके बाद अब सरफराज भाई की रेस में पहुँचना है। तो चलिए हमारे साथ ये सवार शरीफ थे जो बोचाहा मुजफ्फरपुर की रेस में काफी शानदार प्रदर्शन करते करते पिछड़ गए। आगे हम आपको फाइनल की वीडियो अपने दूसरे चैनल पर लॉसिंग ब्लॉग्स पे दिखा भी रहे हैं, इस समय वो वीडियो चल रही थी। इस वीडियो में भी आप ये जान पाए कि कौन किसका किसका प्रदर्शन कैसा था और कौन किस घोड़े से अपना प्रदर्शन किस प्रकार कर पा रहा था, किस वजह से वो पीछे हो गया। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।